Bismillahir Rahmanir Rahim Alaikum my dear students hope you all are fine The Institute of Peak Alma has started a program that is ESP class and I am so lucky and thankful that they have selected me to teach you in ESP classes I am Amna Maham and I will uh, teach you in ESP classes from now to onwards First of all we will discuss about the abbreviation of ESP ई एस पी की एब्रिवेशन क्या है ई एस पी का मतलब क्या है सो ई एस पी मीन्स इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम द एम ऑफ ई एस पी क्लास इज टू एलिमिनेट हेजिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू स्पीकिंग इंग्लिश सो ई एस पी की क्लासेस uh, का मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स जो इंग्लिश uh, बोलने में हेजिटेट फील करते हैं शाय फील करते हैं हम उनको इस काबिल बना सकें कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकें सेकेंड एम ऑफ ई एस पी क्लास इज़ टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू कम्यूनिकेट इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रियटली विदर्स एंड टीचर्स इन स्कूल हमने अपने स्टूडेंट्स को ई एस पी क्लास का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना कि वो अपने क्लास फेलोज़ एंड टीचर्स के साथ इंग्लिश में कम्यूनिकेट कर सकें इंग्लिश में बात कर सकें एंड थर्ड एम ऑफ ई एस पी क्लास इज़ टू डिवेल्प इंटरेस्ट इन रीडिंग डिफरेंट बुक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज अपार्ट फ्राम कोर्स मटीरियल ई क्लासेस का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स में हम रीडिंग एबिलिटीज़ को इनहेंस करें uh, हम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को इस बात पे फ़ोर्स ना करें कि वो सिर्फ अपने कोर्स मटेरियल को रीड करें बल्कि उनमें uh, ये एबिलिटी पैदा करनी है कि वो हर तरह का जो रीडिंग मटेरियल है उसको रीड कर सकें लाइक स्टोरी बुक्स ई और लास्ट एम ऑफ ई एस पी क्लासेज इज़ टू डिवेल्प एंड इमर्ज द यूज़ ऑफ द फोर लैंग्वेज स्किल्स तो हमने ई एस पी क्लास का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स में लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर सकें और लैंग्वेज स्किल्स हैं कौन सी फर्स्ट इज़ रीडिंग सेकेंड इज़ लिसनिंग थर्ड इज़ स्पीकिंग एंड द फोर्थ इज राइटिंग नाउ वी विल डिसकस अबाउट द आउटकम्स ऑफ ई एस पी क्लास ई एस पी क्लास के रिज़ल्ट क्या होंगे स्टूडेंट्स की लर्निंग पे सो एट द एंड ऑफ दिस क्लास एट द एंड ई एस पी क्लास स्टूडेंट्स विल भी एबल टू प्रोनाउंस अप्रोप्रियटली डिफ़िकल्ट वर्ड्स स्टूडेंट्स इस काबिल हो सकेंगे कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को करेक्ट वे में प्रोनाउंस कर सकें सेकेंड आउटकम ऑफ ई एस पी की क्लासेज स्टूडेंट विल भी एबल टू इफेक्टिवलीज डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंसेज स्टूडेंट्स विल भी एबल टू यूज डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंसेज और इन पैराग्राफ्स उनको सेंटेंस मेकिंग आ सके थर्ड आउटकम ऑफ ई एस पी की क्लासेज इन्हांस देयर लैंग्वेज स्किल्स एंड हाउ टू मेक यूज ऑफ इट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दे कौन कौन सी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग सो हमने अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है और हमारे स्टूडेंट्स इन काबिल हो सकेंगे कि उनमें लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो इन्हांस हो सकें उन्हें पता हो कि हम उन्होंने अपनी इन लैंग्वेज स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करना है कैसे यूज़ करना है our last outcome of esp uh, class is communicate and speak english language fluently without any hesitation. inshallah, our student will be able to uh, communicate and speak in english or without any shyness, without any hesitation for english may baat kar English. thank you so much, my dear students. this is all for today class. and i wish you best of luck for your future.